सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधि और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस जानकारी के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो औषधि है वो है सिद्ध मकर ध्वज स्पेशल। दोस्तों ये बैद्यनाथ कंपनी की बहुत ही अच्छी औषधि है और इस औषधि को एक रसायन कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक रसायन है और इस जैसी औषधि जो है पूरे संसार में कहीं नहीं है। इसके मुकाबले की औषधि जो बल को बढ़ाने के लिए और ताकत को पैदा करने के लिए, शरीर में ओज और कांति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली इस औषधि का कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों ये जो औषधि है इसको बनाने का तरीका और इसको इस औषधि में क्या क्या इसमें द्रव्य मिलाए गए हैं, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये किन किन रोगों में काम करती हैं ये भी आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाने का तरीका और इस औषधि में क्या क्या औषधि मिलाई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी औषधि बता दूं कि इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई गई हैं। इसमें मिलाया गया है जो स्वर्ण भस्म है वो 4 तोला। दोस्तों हो सकता है आप 4 तोला स्वर्ण भस्म सुनकर ये सोचे कि ये ऐसे ही 4 तोला तो बहुत महंगा है। हाँ दोस्तों, ये जो बैद्यनाथ कंपनी है ये अब बड़ी मात्रा में बनाती है। इसको घर पर बनाने की जो विधि है वो यही है, लेकिन घर पर इसको बनाना नहीं चाहिए क्योंकि ये सही तरीके से घर पर थोड़े मात्रा में नहीं बन पाती, तो आपको बाज़ार से ही लेना उचित रहेगा। इसको औषधि को आप मंगा भी सकते हैं अगर आपको अपने आसपास नहीं मिल रही है। तो चलिए मैं आपको इसके पहले इसमें प्रयोग होने वाली औषधि बता देता हूँ। स्वर्ण भस्म इसमें 4 तोला ली गई है और पारा इसमें 8 तोला लिया गया है। इसमें जो पारा होता है वो अष्ट संस्कारों से युक्त होना चाहिए और गंधक इसमें 16 तोला ली गई है। और इसके अलावा इसमें लाल कपास के पुष्प का सौरस और घृत कुमारी के रस में इसको घोटकर जो है इसको सुखाकर एक 8 सीसी जो होती है, एक यंत्र होता है 8 सीसी, उसमें भरकर इसको बालू का यंत्र द्वारा पकाते हैं और इसमें 3 तरह की आँच दी जाती हैं, मृदु यानी कम और मध्यम और तीक्ष्ण यानी तेज आँच इसको देनी होती है। उसके साथ साथ ये पारद में 6 गुणागंधक जो है इसमें मिलाकर फिर से इसको यही प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसी को सिद्ध मकर ध्वज कहते हैं। ये मकर ध्वज कई तरीके की होती है लेकिन मैं आज आपको इसमें जो है सिद्ध मकर ध्वज के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो ये तरीका जो होता है ये सिद्ध मकर ध्वज बनाने का तरीका है और इसमें जो सर्वप्रथम जो है ये जब ये औषधि को इसमें बनाएंगे तो इसमें जो है जो शीशी में पीले रंग का धुआं निकलता रहेगा तब तक इसको शीशी का ढक्कन जो है बंद नहीं करना होता है और जब धुआं निकलना बंद हो जाए तब इस शीशी का मुंह डाट से लगा देना होता है और इसमें जो है फिर इसको जो थोड़ा थोड़ा करके जो इसमें मकर ध्वज इसमें जमता है जो ऊपर ढक्कन पर ऊपर आकर जम जाता है और बाकी जो नीचे है नीचे कजली बैठ जाती है, शीशी के जो नीचे है वो कजली होती है और जो ढक्कन पर जमता है वो मकर ध्वज होता है। ये ही सिद्ध मकर ध्वज होता है और इस तरीके से बनाया गया जो मकर ध्वज है वो उत्तम माना जाता है। इसके गुणों की बात करें तो इसके गुणों की बात में ये औषधि जो है विशेष रूप से एक बल को बढ़ाने वाली सर्वश्रेष्ठ महाऔषधि है और इसके सेवन से जो है सर्व रोग नष्ट होते हैं। इस महाऔषधि के समान पृथ्वी पर कोई भी दूसरी ऐसी चिकित्सा कोई भी चिकित्सा में ऐसी औषधि नहीं है जो कि इस औषधि की टक्कर ले सके और यह औषधि जो है दूसरी दवा की तुलना में बहुत ही अच्छी और तुरंत प्रभाव दिखाने वाली औषधि है। इसके सेवन से प्राणी जो है काल के मुंह से भी वापस आ जाता है और इसके सेवन से जो है शरीर की जो
कांति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकत बढ़ती है, और इसके साथ साथ शरीर का वजन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। शरीर का जो वजन है इसके से इस्तेमाल से जो बढ़ता है वो ऐसा नहीं बढ़ता कि आज खाया तो बढ़ गया और कल जब छोड़ेंगे तो शरीर का वजन फिर से घट जाएगा। ये सभी धातुओं को पुष्ट करने वाला होता है और ये शीघ्र पतन रोगों के लिए भी रामबाण औषधि है। ये औषधि इसके जो हैं जो मैं आपको फ़ायदे गिना रहा हूँ, ये फ़ायदे जो हैं बहुत ही मामूली से हैं। इसका का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर का पूरे शरीर का कायाकल्प कर देता है और चेहरे पर एक कांति जिसे कहते हैं ओज, ऐसा चेहरा हमारा बना सकता है अगर इसका हम रेगुलर प्रयोग करते हैं। थोड़ा ये महंगा आता है इसलिए इसको सभी प्रयोग नहीं कर पाते। इसके जो मात्रा है, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसको एक एक गोली सुबह शाम मिलाई के साथ इसको लेना होता है। और इसको अगर रोगों के हिसाब से बात करें तो इसको जिस रोग में हम लेते हैं उस रोग की जो दवा है वो इसके साथ अगर मिलाकर लें तो उस जो दवा है उस दवा का प्रभाव भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी इसमें एक खास बात है। और इसके साथ साथ इसका जो सेवन करने का जो काल होता है उस समय जो है आपको खूब पौष्टिक आहार लेना चाहिए और मांस मदिरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से जो है स्नायुमंडल मजबूत होता है और ये शरीर को मजबूत और सुडौल बनाता है। इसके साथ साथ ये दिमाग से संबंधित सभी रोग दूर करता है और जो हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो है निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और ये जो नपुंसकता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। नामर्दी जिसे ध्वज भंग भी कहते हैं उसमें ये बहुत गजब का काम करता है। इसके अलावा इसमें बहुत से ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो शरीर को बहुत ही जल्दी ठीक करते हैं, चाहे रोग किसी भी कारण से हो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर उस रोग की औषधि मकर ध्वज के साथ लेते हैं तो उस औषधि का कई गुना प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों एक समान प्रभाव डालता है, ये कोई भी ले सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों के जो आप कोई भी इसको समान रूप से ले सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए क्योंकि एक रसायन है और ये रसायन जो है शरीर में बहुत ही अच्छा लाभ देता है और इसके साथ साथ इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे स्नायुमंडल और नर्वस सिस्टम पर भी होता है जो कि हमारे शरीर का मेन हिस्सा होता है। और ये हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे स्नायुमंडल को मजबूत करता है और हमारे शरीर का जो वजन है उसको बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ टच सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। धन्यवाद।